Hello, welcome back to Chehak Academy. I'm Bhagyashree. Today our topic is coaxial cable. हम coaxial cable के बारे में बात करेंगे. यदि हम coaxial cable के बारे में बात करते हैं, तो जो coaxial cable होती है, वो दिखने में इस तरीके से होती है. ये जो होती है coaxial cable, ये consist करती है central copper wire को, जो कि कॉपर की होती है और ये बहुत ज्यादा सॉलिड होती है. और जो सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं वो इनर कॉपर वायर यानी इसी के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. और ये इसके ये सराउंडिंग ऑफ होती है एक इंसुलेशन के. इंसुलेशन मतलब होता है कि ये सिग्नल्स को प्रिवेंट करते हैं बाय नॉइस से, हीटिंग से. एंड देन आफ्टर इसके ऊपर एक स्लीव लगी होती है कॉपर मैश की. ये जो कॉपर मैश की स्लीव होती है, ये क्या होती है, ये भी कॉपर की होती है और ये भी कॉपर की होती है और ये सॉलिड नहीं होती, ये जालीदार होती है. ऐसे ऐसे ये वर्क होते हैं, जालीदार वर्क होते हैं, ठीक है. और इसके ऊपर अगेन एक शील्ड लगी होती है इस तरीके से. ये एक शील्ड लगी होती है, इसे पीवीसी इंसुलेशन कहा जाता है. ये क्या करती है, ये कवरिंग करती है, ठीक है ना. ये होता है कोएक्सल केबल. इस तरीके से इसका वर्क होता है. जो कोएक्सल केबल होती है, ये ट्रांसमिशन मीडिया का एक और पार्ट है. इसकी जो शील्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर. ट्विस्टेड पेयर की वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. जो कोएक्सल केबल होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू द फाइबर ऑप्टिकल केबल. जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर होगी. और जब ये जो डिजिटल सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकता है अप टू 10 Mbps 10 मेगाबाइट पर सेकंड. कोएक्सल केबल स्पेशली रैप्ड, एक ग्रुप होता है स्पेशली रैप्ड और इंसुलेटेड वायर लाइंस का, जो कि डाटा को हाई रेट पर ट्रांसमिट करने के लिए कैपेबल होता है. ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये कंसिस्ट क्या करता है, एक सेंट्रल कॉपर वायर जिसके सराउंडिंग ऑफ एक पीवीसी इंसुलेशन होता है. ये आपकी कंडक्टर हो गया और इसके सराउंडिंग ऑफ क्या हो गया, ये इंसुलेशन हो गया है. और इसके ऊपर एक और स्लीव होती है, ठीक है ना. एक और क्या होती है, स्लीव होती है. ये यहाँ से टच हो जाएगा कॉपर मैश की. और उसके ऊपर अगेन एक शील्ड लगी होती है बाय आउटर शील्ड ऑफ थिक पीवीसी मटेरियल. अगर हम सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं, तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो इनर कॉपर वायर से होते हैं. कोएक्सल केबल जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है. यदि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना है तो रिपीटर की जरूरत होती है. रिपीटर रीजनरेट करते सिग्नल्स को, जिससे हम लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं. कोएक्सल केबल की जो नॉइस इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ताकि जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा हो तो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन डाटा ट्रांसमिट हो जाए. अगर केबल हमारी छोटी होगी तो डाटा रेट हाई होगा. यदि केबल लंबी होगी, जो कोएक्सल केबल है वो अगर लंबी होगी, तो जो डाटा रेट है वो लो हो जाएगा, यानी जो स्पीड होगी वो लो हो जाएगी. कोएक्सल केबल की जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू द यूटीपी केबल. यूटीपी केबल का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है वो एक टाइप है ट्विस्टेड पेयर का. ट्विस्टेड पेयर दो टाइप के होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. इसकी जो बैंडविड्थ होती है, इससे कोएक्सल केबल की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा अच्छी होती है. मैंने बैंडविड्थ के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. और जो कोएक्सल केबल होती है वो टू टाइप्स की होती है, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड. यदि हम बेस बैंड के बारे में बात करते हैं, तो जो कोएक्सल केबल यूज की जाती है उसका साइज 50 OHM होता है. ये ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किए जाते हैं. इसमें सिंगल सिग्नल्स एक टाइम में ट्रांसमिट होता है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है. बट यदि 1000 feet की ये डिस्टेंस को कवर कर लेता है, तो इसे अगेन एम्प्लीफाइड करना पड़ता है. और ये मेनली लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज किया जाता है. अगर हम ब्रॉडबैंड के बारे में बात करते हैं, तो ब्रॉडबैंड का मतलब
आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। ये सिंगल सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं करता, बल्कि ये बहुत सारे सिग्नल्स को इकट्ठे ट्रांसमिट कर सकता है विद यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ, ठीक है ना। कोएक्सियल केबल, अगर जो ये ब्रॉडबैंड है, ये क्या होता है, ये एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, जैसे कि केबल, टीवी केबलिंग, इसे ब्रॉडबैंड कहा जाता है। टेलीविजन एंड डाटा कैन बी मिक्स्ड ऑन द सेम केबल। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।